नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और मैं हूं कैलाश। और आज आए हैं हमारे अपने खेत में और दिखाएंगे इसके खेत में धान कैसा है और कौन सी वैरायटी है इसकी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं खेत में और देखते हैं इसका प्रोडक्शन कैसा है, वैरायटी कौन सा है। आज हम धान की एक ऐसी वैरायटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लंबी अवधि की धान है। यदि आपके खेतों में जल भराव की समस्या है या आपकी गारा खेत है या आपके खेतों में शहर की नालियों के गंदे पानी आती है, बहुत सारे किसान भाइयों खेतों में शहर की नालियों के गंदे पानी आती है, तो यदि आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो उत्पादन में कई गुना वृद्धि होता है। हमारी खेतों में भी शहर की गंदे पानी आती है, तो मैंने इस वैरायटी को हर साल लगाता हूँ और उत्पादन में कई गुना वृद्धि होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और मेरी खेतों की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसकी कटाई से लेकर सिंचाई तक की सारी जानकारी इस वीडियो में है। सबसे पहले हम धान के तने के पास से शुरुआत करते हैं, तो देख ही सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, मैं आपको इसको कलियों को गिनकर दिखा रहा हूँ। एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, ये बीस बीस कल्ले दिए हैं। अच्छी किस्म ये देखिए, और ये दिखाता हूँ कितना हाइट तक बढ़ा है। और ये लगभग 3.5 फीट तक हाइट है धान का, एकदम हरा भरा और एकदम अच्छा भी धान है। आपको इसके बाली को दिखा रहा हूँ जो पहले मैं काट कर रखा हूँ। इसको देखिए, ये देखिए एक बाली, ये देखिए कितना लंबा है, ये देखिए, यानी ये देखिए मेरे हाथ से यहाँ तक, और देखिए उसके बाली कितना। तीन वाली को काटा था मैंने इसको दिखाने के लिए, देख ही सकते हैं कितने कल्ले निकाले हैं। एयरपोर्ट कितना अच्छा धान, देख ही सकते हैं। इस धान की खास बात यह है कि आप इसको खड़े पानी में भी लगा सकते हैं, जहाँ जल भराव की समस्या रहता है वहाँ ये धान बेहतर प्रदर्शन करती है, वहाँ भी धान को लगा सकते हैं आप लोग। और इसके बगल वाले खेत के धान को दिखाता हूँ जो अन्य वैरायटी की है। तो चलिए चलते हैं, ये देखिए ये जो दूसरे धान है बगल की, और ये देखिए इसकी बाली कितना छोटा छोटा, देखिए ये देखिए इसका रंग भी थोड़ा काला काला टाइप के वाली धान की, ये देखिए इसका बढ़वार। और यह लगाए हैं हम लोग धनी धान, उसका देखिए ये है। आगे भी दिखाता हूँ मैं धान को, चलिए चलते हैं। यहाँ भी आया दिखा रहा हूँ धान को, ये देखिए इसकी बाली कितना लंबा लंबा है, ये देखिए देखिए इसकी बाली। आपको भी लाइव दिखा दे रहा हूँ मैं, अभी तोड़ा हूँ जस्ट इसको मैं, ये देखिए क्या हाथ तक लंबाई है, देखिए अम्मा ने
कितना शानदार। धान को देख ही सकते हैं, ये देखिए इसका पत्ता हरा भरा दिखता है लेकिन धान पक चुका होता है, इसकी खासियत यह है। देखिए कितना अच्छी बाली है। देखिए किसान भाइयों, मैं इस यहाँ नाली है, ये नालियों के पानी जो शहरों के नालियों के पानी आती है तो मैं इसे खेत में लेता हूँ जब भी आवश्यकता पड़ती है हम लोग को तो। और ठंडा के देख ही सकते हैं। और चलिए चलते हैं इधर और दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए अभी जस्ट काटे हैं, इधर कटाई का भी कार्य चल रहा है। और ये नालियों के पानी जब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये घरों के नालियों के पानी आती है। और इस धान की जो कटाई है उसका जो नीचे का भाग ही देख सकते हैं कितने मोटे मोटे हैं। और सर नालियों के पानी का मिट्टी का काला काला हो गया एकदम। इसमें उपज क्षमता भी अधिक होती है, जो खाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और देखिए इधर कटाई चल रहा है। और देखिए किसान भाइयों, यहाँ मैं यहाँ खुद भी काट रहा हूँ जो अपने खेत है। इसका हाइट भी देख सकते हैं, लगभग साढ़े नहीं 4 फीट तक तो है। और धान की खास बात है गिरती भी नहीं, कितनी हवा चले या आंधी तूफान है। और यहाँ देखिए इसे कटाई हो चुका है तो इसका कितना मोटा मोटा। और धान देख ही सकते हैं। इसकी बीमारी की बात की जाए तो किसी किसी वर्ष इसमें बुरे माहौ का टेक होता है, तो मैंने इसके लिए मैं चेस सजेंटा कंपनी का चेस दवाई का इस्तेमाल करता हूँ। आप किसी भी माहौ के लिए माहौ मारने वाला दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए बाली काट के गिरा है जो कितना वजनदार है। और इसकी वैरायटी की बात करें तो यह धनी धान है बायर कंपनी का। और इसकी अवधि है 140 से 150 दिन की। और इसकी उपज की बात की जाए तो प्रति एकड़ 40 से 42 क्विंटल होता है। देखिए किसान भाइयों धान की इस दाने इसका कैसे चमक इसमें। और यहाँ हमारा धान रखा हुआ है, इसको सफाई करके फिर बोरे में भरा जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।